सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी के आगे इतना भी मत झुको कि वह आपको उठने का एक मौका भी ना दे। झुकना है तो अपने भगवान और माँ बाप के आगे झुको, क्योंकि जितना आप उनके आगे झुकोगे आप उतना ही ऊपर उठोगे। ख्वाहिश से नहीं दोस्तों जीत करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। आज का पंचांग 12 अक्टूबर 2020, दिन सोमवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 4:39 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र रात्रि 12:30 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:53 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर रात्रि 12:30 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। तुला राशि 12 अक्टूबर 2020, दिन सोमवार, आज चलते हुए सावधान रहें। हल्की खरोची आ सकती है, ना चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातों बातों में नाराज कर सकते हैं। आज केवल अपने काम से ही मतलब रखना उपयुक्त रहेगा। आज आप किसी मनोरंजक कार्यकलाप में समय बिता सकते हैं। आज आराम करने के मूड में रहेंगे तथा हास परिहास और मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा। प्रॉपर्टी संबंधित किसी काम को लेकर किसी नजदीकी यात्रा का प्लान बनेगा। घर के कई अटके हुए काम पूरे करने में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। परिवार के सदस्य द्वारा मिली नाराजगी और काम की चिंता का असर आपके मन पर होगा। काम से जुड़ी समस्या के सामने हार मान सकते हैं, लेकिन फिर से अपने विश्वास के साथ शून्य से शुरुआत करने में डरेंगे नहीं। सबकी इच्छाएं पूरी करना आज आपके लिए उपयुक्त होगा। फिर भी सोच को सबके सामने लाने में आप कामयाब रहेंगी। काम की जगह चल रहे विवाद आपके मध्य स्थिरता से सुलझ सकते हैं। अविवाहित लोगों पर परिवार का दबाव होने की वजह से निर्णय लेना मुश्किल होगा। महिला प्रॉपर्टी डीलरों के लिए अधिक अनुकूलता रह सकती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बल पर राजनीति करने वाले को झटका लग सकता है। लोगों की टिप्पणी करते समय सजगता बरतें। सावधानियां, ध्यान रखें आपका ही कोई नजदीकी व्यक्ति आपके प्रति गलत अफवाह फैला या आरोप लगा सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उस पर पूरी तरह सोच विचार कर लें। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। बात करते हैं लव लाइफ की। कार्य क्षेत्र में चल रही दिक्कतों का प्रभाव घर के माहौल पर ना पड़ने दें, अन्यथा इससे घर की सुख शांति व व्यवस्था भंग हो सकती है। अगर मौजूदा संबंधों में वो अपनापन आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी अपने मन को सकारात्मक रखें। आपका साथी अपनी प्रेम की भावनाओं उस तरीके से व्यक्त नहीं कर रहा है जिस तरीके से आप व्यक्त करते हैं। ये समय किसी को चोट पहुंचाए बिना आगे बढ़ने का है। आप लोगों से मिले समारोह में जाएं और हो सकता है कोई साथी आपको मिल जाए जो आपके दिल को समझेगा। आप विनम्र और कोमल रहें। कुछ आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। करियर की बात करते हैं। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा ये और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में
जो निराशाओं का अनुभव किया है उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजे हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचली अधिकारियों से अपनी आय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए ये समय उपयुक्त है। आज कार्य क्षेत्र में सहयोगी एवं कर्मचारियों से चल रहा कोई पुराना मतभेद भी दूर होगा, इससे व्यवसाय की स्थिति बेहतर होने की संभावना है। निवेश संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले उनके हर पहलू पर विचार अवश्य करें। सेहत की बात करते हैं। आज आप खुद को किसी ऐसे आदमी की वजह से गुस्से में अनियंत्रित पाएंगे जो बिना बात आपके सब चीजों में टांग अड़ाता रहता है। ऐसे आप बेहोश भी हो सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें और इस आदमी से हटकर आप तरोताजा भी होंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज का उपाय, आज आप दूध, सफेद कपड़ा और चावल का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।